दिस वीडियो इज पर्टिकुलरली फॉर दोज हु वांट्स टू क्रिएट अ गुड कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, चाहे वो ट्रैवल व्लॉग्स हो, कुकिंग का चैनल हो या फिर कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, समझ रहे हो? तो ये वीडियो उन सभी के लिए है क्योंकि इसमें म्यूजिक की बातें होने वाली है। और अगर तुम कंटेंट क्रिएटर नहीं हो तो भी देख लो, लॉकडाउन में और क्या करोगे यार। हाँ जी, तो पिछले 4 या 5 दिनों से आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा कि यार मैं सोशल मीडिया पे इतना कोई एक्टिव नहीं हूँ, ना ही मैं यूट्यूब पे कोई वीडियोस डाल रहा हूँ। तो उसका एक मेन रीज़न है और बहुत ही आई थिंक अनप्रोडक्टिव सा रीज़न है, एक सीरीज़ है एरो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हर एक एपिसोड में सस्पेंस है, हर एक सीज़न में उसका जो है सस्पेंस है। तो 3 से 4 सीज़न मैंने देख लिया और टोटल 6 से 7 सीज़न है। तो उसी के चक्कर में मेरा जितना भी टाइम टेबल है, मेरा टाइम शेड्यूल है, सारा का सारा चेंज हो गया है। रात को 4 से 5 बजे सोना और सुबह 1-2 बजे उठना, जैसे कि अभी राइट नाउ टाइम इज़ कुछ तो मैं दिख नहीं रहा होगा, 3 बज रहे हैं और मैं अभी कुछ देर पहले ही उठा हूँ। तो सोचा कि आज से जो है सारा टाइम शेड्यूल चेंज करूँगा और आज एक चीज़ पे बात करेंगे, म्यूज़िक, जो कि मेरी वीडियोज़ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो तो तुम्हारी वीडियोस में भी बहुत इम्पोर्टेंस होगी। अगर अभी तक तुम यूज़ नहीं करते हो म्यूज़िक तो यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल हिमाचली राइटर्स। तो ऐसा नहीं है कि मैं कमेंट्स नहीं पढ़ता, और ये इंट्रो जो ऑकवर्ड लगी होगी तुम्हें, मुझे तो लगी, बिकॉज इसमें कुछ मैं ऐसे था। और पिछली वीडियो में एक कमेंट था कि भाई इतना हाथ मत हिलाया करो, आप कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हो। बट क्या करें यार, आदत से मजबूर, मुझे ऐसे अपने इंट्रो करना पसंद नहीं है। हम इंट्रो कैसे करते हैं? गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल हिमाचली राइटर्स। सो चाय बनाते हैं फिर बात करते हैं म्यूजिक की, तब तक के लिए रोल द इंट्रो। सो अजय विद किचन में आपका स्वागत है, लेकिन आज की वीडियो में चाय बनाना तो मैं तुम्हें नहीं सिखा रहा, तो जल्दी जल्दी बनाते चाय। हम चाय पत्ती हम डाल चुके हैं, चीनी हम डाल चुके हैं। आज की चाय में एक चीज़ एक्स्ट्रा होने वाली है, वो है अदरक, तीन इलायची और अदरक तुम्हारे हिसाब से, टू मेक इट मोर वैसे वाली चाय। अदरक है और इलायची, आप इनको थोड़ा सा पीस लें, डाल लें, चाय तैयार एज यूजुअल, परफेक्ट। अगर हम बात करें म्यूजिक की, सो भाई म्यूज़िक जो है वो मैं पर्सनली अपनी वीडियोस में बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता हूँ म्यूज़िक से, बिकॉज अगर तुम्हारा म्यूज़िक सही होगा तो वो एक गेम चेंजर बन सकता है तुम्हारे चैनल के लिए, यूट्यूब चैनल के लिए। और बेसिकली म्यूज़िक को ढूंढना, म्यूज़िक को किस वीडियो के साथ यूज़ करना और म्यूज़िक को कहाँ कहाँ यूज़ करना, ये बहुत ही कम व्लॉगर्स और बहुत ही कम क्रिएटर्स को पता होता है। और अगर तुम्हें ये चीज़ पता होगी, ये तीनों चीज़ें, तुम आई थिंक परफेक्शन पालोगे यार म्यूज़िक क्रिएशन में, म्यूज़िक सिंक्रोनाइजेशन में, और तुम्हारा जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। जैसे कि तुम देख सकते हो यार मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरी कुछ वीडियोस देखना, पहले फर्स्ट 10 वीडियोस देखना और मेरे आज की वीडियोस देखना, तो काफ़ी ज़्यादा तुम्हें डिफरेंस नज़र आएगा, क्योंकि यार मैंने म्यूज़िक सिंक्रोनाइजेशन पर काफ़ी काम किया है अपना, कहाँ कहाँ म्यूज़िक यूज़ करना चाहिए, कहाँ कहाँ से लेना चाहिए, वो सभी चीज़ें मैंने जो है इस पास्ट जो जितना भी मेरा करियर रहा है यूट्यूब में उसमें मैंने सीखी है। और मुझे पता है कि तुम्हारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो ये होने वाला है कि हम नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक कहाँ से लें। तो मैं तुम्हें कुछ ऑप्शंस देता हूँ यार, जहाँ से मैंने पर्सनली यूज़ किया है पास्ट में म्यूज़िक, और तुम भी यूज़ कर सकते हो उन चैनल्स को। सबसे पहला जो नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक के लिए जो चैनल है वो है यूट्यूब म्यूज़िक स्टूडियो। ये यूट्यूब की तरफ से सर्विस है जो कि तुम्हें नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक प्रोवाइड करवाएगी ज़रूर, लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हैं, चॉइसेस इतनी ज़्यादा वास्ट नहीं है। कुछ म्यूज़िक हैं जो तुम यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने पर्सनली कभी ये प्लेटफॉर्म, ये सर्विस यूज़ नहीं की यूट्यूब की। और कुछ ऐसे चैनल्स हैं यूट्यूब पे जो कि नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक तुम्हें प्रोवाइड करवाएंगे, और मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है उन्हें पास्ट में। NCS एक चैनल है, नॉन कॉपीराइट साउंड्स, और ऑडियो लाइब्रेरी,
जहां से तुम कोई भी म्यूजिक अगर यूज करोगे अपनी वीडियो में, यू हैव टू गिव द क्रेडिट्स टू द पर्टिकुलर साउंड मेकर जिसने वो म्यूजिक बनाया है, तुम उसे अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो और विदाउट एनी हेजिटेशन। बट अगर तुम्हें कस्टमाइज म्यूजिक यूज करना है, तो देखो यार, कस्टमाइज म्यूजिक के लिए सबसे बेस्ट, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट फॉर म्यूजिक सिलेक्शन फॉर योर व्लॉग्स एंड फॉर योर ट्रैवल वीडियोस इज एपिडेमिक साउंड। एंड एपिडेमिक साउंड सब्सक्रिप्शन बेस्ड एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम्हें यार कुछ अमाउंट देना पड़ता है, बल्कि तुम्हें कस्टमाइज म्यूजिक मिल जाता है। बहुत सारी ऑप्शंस है, बहुत सारी चॉइसेस है उसमें, और आई एम श्योर वहाँ पे तुम्हें अपने जो एक वाइब का म्यूजिक, अपनी जो एक अपनी एक वीडियो वाइब का म्यूजिक डेफिनेटली मिलेगा। और आई थिंक मोस्ट ऑफ द कॉन्टेंट क्रिएटर्स यूज एपिडेमिक साउंड। और अगर तुम्हारे पास लेट्स सब्सक्रिप्शन लेने के लिए पैसे नहीं है, तो एपिडेमिक साउंड हैज अ फ्री ट्रायल एंड बाकी तुम खुद समझदार हो। और डाउनलोड करना मैं तुम्हें नहीं सिखाने वाला, वो तुम गूगल पे जाकर कैसे अकाउंट बनाते हैं एपिडेमिक साउंड पे और कैसे डाउनलोड करते हैं खुद सीख लेना यार। अब हमारे पास जो है म्यूजिक, नॉन कॉपीराइट म्यूजिक जो आ चुका है, हमने डाउनलोड कर लिया है और हम उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरी जो स्टेज होने वाली है वो एक कॉमन सेंस की स्टेज होने वाली है। यहाँ पे तुम्हें अपनी जो वीडियो है, अपनी जो वीडियो क्लिप तुमने शूट की है, उसकी वाइब के अकॉर्डिंग जो है वो म्यूजिक सिंक करना है। और इसका एक एग्जांपल लेते हैं, मेरी एक तीर्थन वैली की वीडियो है जैसे कि ये, और ये एक ट्रैवल वीडियो है, तो मैं इस पे एक रॉक म्यूजिक लगा के देखता हूँ, तो देखते हैं कि ये कैसी वीडियो नजर आती है। म्यूजिक काफी अच्छा था डांस करने के लिए, लेकिन इस वीडियो के साथ ये सिंक हुआ बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो इसकी वाइब थी इस वीडियो की, वो एक ब्राइट वाइब थी। ब्राइट मतलब कि एक ट्रैवल वीडियो है, तो इसमें या तो तुम नेचर से रिलेटेड एक ब्राइट सा म्यूजिक लगाओगे, एक स्मूथ सा म्यूजिक जो कि इस वीडियो के साथ जाए, जैसे कि ये म्यूजिक, आई थिंक दिस इज द परफेक्ट म्यूजिक फॉर दिस काइंड ऑफ अ वीडियो, क्या बोलते हो? तो यही है वो कॉमन सेंस जो तुम्हें लगानी है कि कहाँ पे रॉक म्यूजिक का यूज करे, कहाँ पे ब्राइट का यूज करे, कहाँ पे ड्रामेटिक का यूज करे और कहाँ पे हिप हॉप का यूज करे। अब तुम्हें नॉन कॉपीराइट म्यूजिक मिल गया और तुम्हें अपनी वीडियो की वाइब का भी पता चल चुका है, लेकिन अब जो सबसे लास्ट जो फेज आता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना ये दोनों चीज़ें बेकार चली जाएगी, और ये फेज है फाइनल शोडाउन, बिकॉज इस स्टेज के बिना पिछली दो स्टेजेस बेकार हैं, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें फाइंड आउट करना है कि कहाँ कहाँ खामोशी है और कहाँ कहाँ जो है तुम्हारी वीडियो की वाइब जो है वो बोरिंग जा रही है। जहाँ पे भी खामोशी होगी और वीडियो का जो वाइब है वो बोरिंग जा रही होगी, तो तुम्हें जो म्यूज़िक है वहाँ पे इंक्लूड करना है। और दूसरी चीज़ ट्रांजिशंस, जब भी एक क्लिप से दूसरी वीडियो में ट्रांजिट कर रही हो तुम्हारी वीडियो, जैसे कि मेरी इंट्रोडक्शन है, मेरी इंट्रो जो है उसमें ट्रांजिशंस जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो ट्रांजिशन को डायनामिक लुक देने के लिए साउंड इफेक्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे तुम्हें, जस्ट लाइक वूश इफेक्ट्स, सबसे बेस्ट इफेक्ट्स जो मैं भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और ग्लिचेस, जिससे कि डायनामिक्स लगता है कि यार ये जो ट्रांजिशन हो रही है ये एक नेचुरल फिनोमेना है। और लास्ट चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टू सिंक योर म्यूजिक विद योर वीडियो, विच मींस व्यूअर को ऐसा लगे कि जो ये पर्टिकुलर म्यूजिक है, नॉन कॉपीराइट म्यूजिक जो तुमने डाउनलोड किया है किसी वेबसाइट से, ये पर्टिकुलरली तुम्हारी उस क्लिप के लिए बनाओ। जो भी म्यूजिक तुमने डाउनलोड किया है नॉन कॉपीराइट म्यूजिक, उसमें या तो ड्रम की आवाज़ होगी या तो स्ट्रिंग्स की आवाज़ होगी, तो जहाँ पे भी वो आवाज़ तुम्हें लगे तो वहाँ से ट्रिम कर दो अपनी वीडियो को, और कुछ फ्रेम्स आगे तक ट्रिम करके उसके डिलीट कर दो, एंड जो भी जो दो क्लिप्स बची हैं उसको मर्ज कर दो।
तो व्यूअर को ऐसा लगेगा कि ये जो नॉन कॉपीराइट म्यूजिक है ये पर्टिकुलरली तुम्हारी क्लिप के लिए कस्टमाइज तरीके से बना है। दिस वॉज माई फ्लो वर्क एंड आई होप इट सूट्स यू एंड यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी डिफरेंट, बी यूनिक, बाय-बाय, शफाफ है। नहीं, दिस इज नॉट माई स्टाइल, किसी के कहने पर अपना स्टाइल तो नहीं चेंज कर सकता। सो आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो यार, मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बी डिफरेंट, बी यूनिक, दिस इज अजय शर्मा, विल मीट यू ऑन अ नेक्स्ट वीडियो, बाय-बाय।